और बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज कांड में सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। नवाब यादव के खिलाफ पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया है। पीड़िता ने कहा कि नवाब यादव ने रेप किया। पीड़िता के आरोप पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया कि पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। इससे पहले पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करवाया। पीड़िता ने कहा कि नवाब यादव ने मेरे साथ रेप किया। पहले रेप की कोशिश की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था उसमें उसने कहा है कि नवाब यादव ने मेरे साथ रेप किया। पीड़िता के आरोप पर पुलिस का बयान भी आया है और पुलिस ने कहा है कि पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया, साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला। और हमारे सहयोगी लोकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कल तक रेप की कोशिश की बात सामने आ रही थी लेकिन आज पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया और उसमें रेप का आरोप लगाया है। जी, आपको बता दें, एसपी कन्नौज अमित कुमार आनंद ने बताया है कि जो पीड़िता है उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। मजिस्ट्रेट के बयान में पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा अब प्रचालित कर दिया और उस पर अब विवेचना जारी होगी कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।